तो हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है और एक नई वीडियो के अंदर। तो आज गाइज, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग क्या मतलब फार्म कैसे बना सकते हो बहुत ही आसानी से, पोटैटो के साथ कैरेट फार्म कैसे बना सकते हो। सेमी ऑटोमेटिक है, पूरा ऑटोमेटिक नहीं है, तो मैं आज के इस एपिसोड के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखोगे, बहुत ही मजा आने वाला है आप लोगों को, इसके अंदर बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। तो आई होप कि आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखोगे। तो गाइस, इसको बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ों की मतलब ज़रूरत पड़ने वाली है, जो कि जैसे कि ट्रैपडोर हो गया, फिर उसके बाद आपको लगने वाला एक ब्लॉक लगेगा। तो वो मैं ब्लॉक आपको दिखा देता हूँ, आप चाहो तो उसकी जगह पे कोई और ब्लॉक भी बिल्कुल ही लगा सकते हो। तो पॉलिश वाला तो भाई थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि यार पॉलिश से सीढ़ी आई थिंक बनती नहीं, मुझे थोड़ा सा मालूम नहीं इसके बारे में। तो ग्लास अपने को लगने वाली, ओके गाइस ग्लास आप लोग ले लो। तो चलो फिर मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ, उसके बाद दिखा देता हूँ कि कौन सी चीज़ें इसमें अंदर लगने वाली है। तो गाइस, आपको सिंपली यहाँ पे लगने वाला है ट्रैप डोर, ग्लास स्लैब, स्टोन लगने वाला है, लीवर लगने वाला है, होपर्स की ज़रूरत थी इसके अंदर, और चेस्ट भी लगने वाली है, रेड स्टोन भी लगने वाला है। तो गाइस, आपको सिंपली यहाँ पे करना क्या है, पहले तो ये जो स्टोन है इसको सिंपली जो इस तरीके से लगा देना, जिस तरीके से मैं लगा लो 1 2 3 ऐसे हो गया 1 2 3। फिर उसके बाद गाइस आपको जो जितना मैं लगा दे, और 14 लगा होगा गाइस, आप फिर से एक बार गिन लो यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसे क्यों होगा। तो गाइस, इसके बाद जो आपको इसका कुछ मतलब ट्रैपडोर के ऊपर पूरा एक गेम चलता है गाइस, सच्ची बता रहा हूँ मैं आपको, ये जो पूरा है वो ट्रैपडोर के ऊपर ही चलता है। तो आप लोगों को ट्रैपडोर कुछ मतलब ठीक से लगाने पड़ेंगे, नहीं तो गाइस आपका जो ये ट्रिक है वो वर्क नहीं करने वाला, ये जो फार्म है आपका नहीं वर्क करने वाला। तो गाइस, मैं जो आपको बोल रहा हूँ वही आपको सिंपली जो करते जाना है। तो सिंपली जो आपको इस तरीके से जो है ट्रैपडोर्स लगाते जाने हैं सब साइड में, ऐसे ऐसे आपको करते जाना है, नहीं तो गाइस फिर आपके साथ कोई पंगे हो सकते हैं, तो भाई गलत सीन हो सकता है। तो गाइस, आपको एक बार टेस्ट कर लेना है कि ये जो लीवर दबा के कि ये जो वर्क कर रहा है करें। देखो गाइस, मेरा तो यहाँ पे बहुत आसानी से वर्क कर रहा है, वैसे तो गाइस ये जो लीवर इधर नहीं आएगा, इधर आने वाला है इस साइड के अंदर। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आपको स्टूडा टेस्ट कर लेना, और गाइस इसके ऊपर जो कुछ रेड स्टोन जो है कुछ इस तरीके से लगा देने, जितने भी आपने स्टोन लगाए थे स्टोन के ऊपर जस्ट ये जो रेड स्टोन लगाते जाना है बहुत ही आसानी से। तो गाइस चलो फिर, अरे यार इसको मैंने लीवर को हटा के दिया। तो चलो गाइस फिर देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से ये जो वर्क कर रहा है। तो गाइस, ये जो मैंने फार्म है वो अपने गेम प्ले सीरीज़ के ऊपर भी बनाया हुआ है, तो आप लोग चाहो तो उसमें भी ये वीडियो देख सकते हो बिल्कुल ही आसानी से। तो गाइस देखो गाइस, कुछ इस तरीके से ये जो है ट्रैपडोर्स लग रहे हैं। तो भाई आपको एक बार फिर से टेस्ट कर लेना है, क्योंकि भाई हम लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आपको भी ऐसे टेस्ट कर लेना है कि भाई क्या वर्क कर रहा है या फिर नहीं, नहीं तो फिर बाद में यार कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। तो चलो गाइस, ये तो सिर्फ अपना काम जो है मस्त तरीके से काम कर रहा है, तो कोई भी इसके अंदर दिक्कत नहीं आ रही। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ अभी आपको करना क्या है सिंपली। तो गाइस देखो, यहाँ से आपको जो डर्ट ऐसे मतलब हटाते आता जाना है, 7 तक मतलब 7 ब्लॉक तक आपको सीधे मतलब ये हटाते जाना है। तो गाइस मैं पहले यहाँ पे करता कि ये जी मतलब पूरी एरिया मैं उसको प्लेन कर लेता हूँ, क्योंकि भाई वैसे तो आपको यार समझ में तो नहीं आएगा, क्योंकि भाई मुश्किल ही थोड़ा समझना इसको, वैसे तो गाइस ट्रिक तो बहुत आसानी है। तो गाइस, आप लोगों ने 7 ब्लॉक हटाने के बाद आपको यहाँ पर मतलब ये ब्लॉक को यहाँ से हटा देना है सिंपली, और इसको जो है आपको सीधा सीधा मतलब खोदते खोदते चले जाना है आगे की साइड में, जितना आप जा सकते हो उतना, ज़्यादा भी आपको नहीं जाना है। तो ये जो लाइन है इससे मतलब थोड़ा सा आपको ये रहना पड़ेगा। तो देखो गाइस, मैं यहाँ पे कैसे तोड़ता जाता हूँ, इसको तोड़ो, ऐसे 7 ब्लॉक आपको तोड़ने, बहुत ही सिंपल है गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ सच्ची में बहुत ज़्यादा सिंपल है काम, और गाइस फार्म भी वैसे ही है, बहुत मज़ेदार फार्म है। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे जो आपको 5, 6 और 7 ब्लॉक के बीच में जो आपको यहाँ पे गड्ढा ऐसे मतलब खोद देना है, तो आपको ढूंढना है सेंटर, आई थिंक सेंटर तो बिल्कुल नहीं आने वाला गाइस, क्योंकि आप लोगों ने एक ब्लॉक थोड़ा मतलब ज़्यादा लगा दिया था। तो आप चाहो तो मतलब आगे एक ब्लॉक के आगे भी खोद सकते हो, नहीं तो जिधर मैंने पहले खोदा था उधर भी आप कर सकते हो। तो गाइस जैसे जो अपने को सिंपली जो है पीछे के साइड में इसको जो गड्ढे को खींचते चले जाना है। तो देखो गाइस, इसका जो लुक है कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो अब गाइस आपको करना क्या है, सिंपली इसको भी हटाना है, और गाइस सिंपली जो ये वाली थोड़ी सी एरिया में डर्ट है उसको हम लोग लगा देते जल्दी से। और गाइस आपको यहाँ पे 2 चेस्ट भी लगाने पड़ेंगे कुछ इस तरीके से,
आप चाहो तो इनका मुंह कुछ मतलब किसी और डायरेक्शन में भी रख सकते हो। आपको यहाँ पे क्राउच करना है और ऊपर को कुछ इस तरीके से लगा देना है, बहुत ही आसानी से देख सकते हो। जैसे कि ऊपर यहाँ पे कनेक्ट हो गए, तो गाइज सिंपली जैसे कि आप देख सकते हो गाइज कि यहाँ पे जो ऊपर है मतलब कनेक्ट हो गए, और इसको जो लास्ट वाले को जो कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर लेना है। आपको ये क्राउच करके ही कनेक्ट करने पड़ेंगे, नहीं तो गाइज ये ठीक से कनेक्ट नहीं होते। तो आपको सिंपली यार क्राउच करना है। क्राउच के लिए आपको शिफ्ट बटन दबाना पड़ता है पीसी के अंदर, और वैसे तो आपको मालूम है अपने मोबाइल वर्जन के अंदर क्या करना पड़ता है। तो गाइस इसके बाद वाली जो प्रोसेस है उसके अंदर आपको सिंपली जो है वो लगने वाला है वाटर लगने वाला है। वाटर भाई वाटर किधर गया, तो चलो भाई वाटर इधर मिलने वाला है अपने को, वाटर लेते हैं। और गाइस फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि वाटर आपको कहाँ कहाँ लगाना है वाटर। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखना, नहीं तो भाई आप लोग स्किप करते हो तो आप बाद में बोलोगे मुझे कि भाई मुझे ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया। तो यार कैसे समझ में आएगा आप अगर वीडियो को पूरा स्किप कर दोगे तो इसलिए यार वीडियो को पूरा एंड तक देखना भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे कि गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मतलब कि पूरा मैं आपको वाटर यहाँ पर फिल करते जा रहा हूँ बहुत बढ़िया तरीके से। तो आपको भी सिंपली ऐसे ऐसे ही करते जाना है, नहीं तो गाइस फिर आपका भी यार ट्रिक मतलब जो है फेल हो सकती है। तो गाइस देख सकते हो जैसे कि बहुत ही आसानी से ये जो काम है मैंने निपटा दिया यहाँ पर। तो गाइस अभी जो अपने को ज़रूरत पड़ने वाली वो है स्टोन ब्रिक स्लैब की, तो इसको जो कुछ इस तरीके से जो आप लोगों ने लगा देना है बहुत ही आसानी से सिंपली से। आपको नीचे में नहीं लगाना है, इसको ऊपर के साइड में ही लगा देना है, स्लैब लगाना है। ओके ये बात याद रखना, आपको स्लैब लगाना है ना कि पूरा मतलब स्टोन का ब्लॉक लगा देना है। तो देखो गाइस जैसे कि मैं यहाँ पे करता जा रहा हूँ, आपको भी सिंपली जो इस तरीके से कर लेना है, बहुत ही आसान है ये स्टेप। और भाई मतलब ये तो कोई भी फार्म बना लेगा, बहुत ही आसान फार्म है। तो ये जो मैंने सीरीज़ के अंदर भी बनाया हुआ है, आप चाहो तो मेरे सीरीज़ भी देख सकते हो माइनक्राफ्ट की। आई थिंक मतलब आप देख रहे होगे वो सीरीज़ मतलब देख के इधर आए होगे। तो चलो फिलहाल गाइस ये जो काम अपना वर्क कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस अभी आपको सिंपली जो यहाँ पे करना क्या है मतलब ये जो आप यहाँ पर डिज़ाइन के लिए भी कर सकते हो एज़ योर विश। तो देखो गाइस जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं डिज़ाइन के लिए सब कर रहा हूँ, आप चाहो आप भी कर सकते हो। ये सब मतलब आपके मर्ज़ी से काम होगा। ओके तो बाकी की तो आपको ज़रूरत नहीं है कुछ। तो चलो गाइस मैं भी इस काम को पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट काम नहीं है। तो गाइस मैंने यहाँ पे ज़्यादा कुछ चेंजेस तो नहीं करे, बस मैंने इतना किया कि मतलब जो ब्लॉक है वो चारों साइड पे मैंने लगाते गया हूँ और वही सब मैंने यहाँ पे काम किया हुआ है। तो गाइस आप चाहो तो मेरे जैसे भी डिज़ाइन कर सकते हो, या फिर आपको जो चाहिए डिज़ाइन आप उस तरीके का भी कर सकते हो। याद रखना गाइस कि आपको यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है आपको, क्योंकि यार यहाँ पे डोर बनाना है तो यार थोड़ी सी मतलब जगह आपको छोड़ देनी पड़ेगी। तो चलो फिलहाल तो गाइस यहाँ पर मतलब डोर के लिए जगह छोड़नी पड़ेगी आपको, तो वो तो आपको याद रखना है गाइस। ओके तो यहाँ पर जो सिंपली है आपका मतलब इतना काम तो पूरा हो चुका है सब काम। अभी गाइस थोड़ा सा काम बाकी है, वो मतलब कि आपको होई लगाना पड़ेगा। तो चलो फिर होई को भी जल्दी से मतलब लगा देते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पे डोर्स भी कुछ इस तरीके से लगा दिया है, यहाँ पे देख सकते हो जैसा ही गाइस आपको अंदर जाने में कोई मतलब ज़्यादा दिक्कत ना हो इसके लिए गाइस। तो मैंने सिंपली जो यहाँ पे डोर भी लगा दिया, तो क्योंकि ये सेमी ऑटोमेटिक फार्म है इसके वजह से जो आपको मतलब थोड़ा सा इसके अंदर काम वर्क करना पड़ेगा, तो ये कुछ ऑटोमेटिक फार्म तो नहीं है। तो गाइस यहाँ पर मैं जल्दी से ये बना लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो जैसे ही गाइज मेरे पास वही आ चुका है, और गाइज आपको सिंपली यहाँ पे करना क्या है देखो, जैसे कि मैं करते जा रहा हूँ आपको तो मालूम होगा, राइट क्लिक करने से मतलब ये जो होई का काम अपने को करना पड़ता है सिंपली इस तरीके से मतलब करते जाना है। तो बहुत बढ़िया मतलब आसान तरीका ये आपका, ऐसे करते जाना है। ओके तो ये सब मतलब पूरे एरिया में आपको भर देना है। ओके तो जैसे ये गाइज आप लोग देख रहे हो मैंने यहाँ पे जो कैरेट लगाना भी शुरू काम कर दिया, तो कैरेट आपको लगाना है सब मतलब पूरे एरिया में हो आपको घुमाने के बाद। तो यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि कितने तेज़ी से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। और गाइज मैं आपको साथ ही साथ एक ट्रिक भी बताने जाऊँगा जो कि भाई मेरे सब्सक्राइबर ने मेरे को बताई हुई थी, बहुत ही मतलब यूज़फुल ट्रिक है। तो अगर आपको मालूम होगी तो बढ़िया है, अगर आपको जिन लोगों को नहीं मालूम है उन लोगों के लिए भाई न्यू चीज़ है तो बढ़िया चीज़ है, तो देखना ज़रूर इस ट्रिक को जो मैं अभी बताने वाला आपको। तो ठीक है, तो गाइस इतना जो अपना काम है जो पूरा कंप्लीट हो चुका है, एक साइड में पोटैटो फार्म, दूसरी साइड में कैरेट फार्म, तो भाई बहुत बढ़िया अपना जो काम है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस अभी सिंपली जो है आपको डिज़ाइन बनानी होगी, आप लोग डिज़ाइन भी बना सकते हो बहुत ही आसानी से। तो डिज़ाइन के लिए गाइस मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे करने वाला हूँ, तो चलिए फिर जल्दी से मैं डिज़ाइन कर देता हूँ, फिर अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये डिज़ाइन करने के बाद कैसे लगता है।
तो गाइज मैंने सिंपली यहाँ पे पूरा मतलब डिज़ाइन तो बना लिया। ये देखो गाइज बोन मील लगाने के बाद जो मतलब यहाँ पर जो आपका जो भी ये मतलब फूड रहेगा, कैरेट रहेगा, जो भी रहेगा, तो जल्दी से मतलब ऐसे ग्रो हो जाता है बहुत ही जल्दी से बोन मील से। तो यही थी भाई ट्रिक जो मुझे एक सब्सक्राइबर ने बताई थी। तो गाइज सिंपली यहाँ पर जो आपका सिंपली मतलब दो बार लगाने के बाद ये जो पूरा मतलब मैक्स हो जाता है, तो ये मतलब खाने लायक बन जाता है। तो मैं इसको जल्दी से बढ़ा रहा हूँ क्योंकि यार मेरे को आपको जो ट्रिक भी तो बतानी है, अगर आपको ट्रिक नहीं बताया तो फिर फ़ायदा क्या यार। तो इसलिए गाइस मैं जल्दी से ये जो सब मतलब सब साइड में से कर लेता हूँ, नहीं तो भाई फिर आप समझ रहे हैं ना, मतलब आप बोलोगे बाद में हाँ क्या वर्क नहीं किया ना, कुछ नहीं किया भाई ने वीडियो में अंदर हम लोग को फालतू में टाइम वेस्ट कराया। तो ऐसे गाइस कुछ नहीं है, मैं आपको देखो भाई जल्दी से फिर इसको कर देते भाई, टाइम वेस्ट क्यों करना, चलो 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 फिर। तो गाइस अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने डिज़ाइन बहुत ही सिंपल बनाई है ताकि भाई आप लोग सर्वाइवल के अंदर ये जो है बहुत ही आसानी से कर सको। इसके लिए कुछ ज़्यादा आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, रेडस्टोन थोड़ा सा मतलब हार्ड है लाने के लिए, जो कि आपको माइनिंग के अंदर भी मिल जाएगी, कोई इतना हार्ड भी नहीं है। तो चलो फिर गाइस इसको कर दिए और देखो भाई इस तरीके से जो अपनी आप पर मशीन वर्क करती है। तो गाइस ये अपने पत्थर जो है आपको हटा देना है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो लार्ज चेस्ट के अंदर जो है मतलब जमा होते जा रहा है, मतलब इसके लिए थोड़ा सा यार टाइम लगेगा। आप चाहो तो मतलब एक राउंड घूम भीम के आ सकते हो, नहीं तो भाई तब तक के लिए आप सब लगा सकते हो। तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। मैं आपको दिखा देता हूँ कि थोड़ी देर के बाद जो इसके अंदर कितना फिर कलेक्ट हो रहा है। तो इसको जो सिंपली हम लोग बंद करते हैं पहले, तो क्योंकि यार बाद में आप लोग इस सीड को भी लगा सकते हो बहुत ही आसानी से। तो देखो गाइस 33 और भी यहाँ पे कलेक्ट हो गया। तो गाइस देख सकते हो जैसे कि बहुत बड़ी आसान तरीके से। तो मैं आपको थोड़ी देर के बाद दिखाता हूँ कि कितना ये जो टोटल कलेक्ट होता है। तो गाइस थोड़ी देर के बाद मैंने यहाँ पे चेक किया, तो भाई मेरे पास तो बहुत सारे पोटैटोज आ चुके थे अभी तक, मतलब जो कैरेट है उसको भी आना बाकी है गाइस। तो अभी तक मतलब थोड़ा सा और भी टाइम लग सकता है, तो थोड़ा सा और देर के लिए वेट करते हैं हम लोग। तो गाइस इस वीडियो के अंदर मैंने आपको फुल ट्यूटोरियल दे दिया कि भाई आप लोग कैसे मतलब फार्म बना सकते हो सेमी ऑटोमेटिक फार्म। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो पसंद आया हो है तो जल्दी से कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, और इसके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और भाई बताना कि अगली बार से मैं कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ। तो चलिए यार फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।